दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप में से कोई भी रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो है आपके लिए अप्रेंटिस के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है यानी 27/12/2022 से 27/12 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आप इसके लिए आवेदन 2 फरवरी 2023 तक कर पाएंगे। यानी कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप 2 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं 27 दिसंबर 2022 से। ठीक है, तो आगे बात करें अगर हम इसके बारे में तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर हम एज की बात करें तो आपका एज जो है 15 साल आपने कम्प्लीट कर लिया हो और 24 साल से अधिक ना हो आप। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2023 को आप 15 साल से 24 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 15 साल से 24 साल के बीच में हैं तो आप रेलवे में अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ST SC कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है और 3 साल की छूट है OBC कैंडिडेट के लिए और साथ ही 10 साल की छूट है फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है ना, अगर हम बात करें आगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके अंदर हो कि आप इसके लिए आवेदन कर सकें, तो आपने अगर 10वीं पास किया हुआ है 50% के साथ। ठीक है, अगर आपका 50% है 10th पे, ठीक है, आपका 50% अगर 10th के अंतर्गत है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका जो है ITI पास होने चाहिए आप। अगर आपने ITI पास किया है NCVT या फिर SCVT से, साथ ही 10वीं में 50% के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको मात्र 100 रुपये देना है। किसको? UR को देना है और आपका OBC को देना है और EWS को। ठीक है, यहाँ पर ST SC PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, जबकि OBC जनरल और EWS के लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा कि यानी किस बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, तो यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा कि आपके परसेंट कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे, तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से www.rrcser.co.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। अब बात करें कौन कौन से ट्रेड पर कहां कहां ये जो है अप्रेंटिस के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो खड़गपुर वर्कशॉप पे आपका फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर और रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक की कुल मिलाकर 360 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बात करें हम, इसके अलावा सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में 87 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा ट्रैक मशीन वर्कशॉप खड़गपुर के लिए 120 वैकेंसी है। इसके अलावा SSE वर्क इंजीनियरिंग खड़गपुर के लिए यहाँ पर 28 पोस्ट हैं के लिए 121 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा आगे बात करें कि डीजल एंड इसके अलावा आगे बात करें तो डीजल लोको सेट खड़गपुर के लिए आपका 50 वैकेंसी, आपकी 90 वैकेंसी। इसके अलावा ट्रेड डिपोट इलेक्ट्रिकल के लिए खड़गपुर में आपकी 40 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि EMU सेट इलेक्ट्रिकल TPKR के लिए आपकी 40 वैकेंसियाँ। इस प्रकार अलग अलग ट्रेड पर आपकी अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। जैसे चकदरपुर के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका टाटा के लिए, सीनी के लिए, ठीक है, इसके अलावा चकदरपुर के लिए, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कई सारी वैकेंसियां कई सारे ट्रेड पर, जैसे कि रांची पर आप देख सकते हैं, रांची के लिए भी निकाली गई है। तो अलग अलग ट्रेड पर अलग अलग स्थान पर आपके लिए जो है अप्रेंटिस के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं
इन दिए गए सारे ट्रेडों पर जिनमें मैं बता चुका हूँ मैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।